अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं? तो आज मैं हूँ डीजी खा में और मेरे साथ नबील है। तो हम ट्राई करने आए हैं डीजी खा का बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मशहूर बीफ पुलाव, और ये पुलाव मुझे रेकमेंड किया है नबील ने। और अबू बकर पुलाव के नाम से मशहूर है यहाँ पर ये, ठीक है, बड़े अरसे से। मैंने तो खैर अभी 5-6 महीने हुए स्टार्ट किया, लेकिन अच्छा है पुलाव, ट्राई करते हैं। बीफ का ये नहीं है, बीफ का है और किसका होगा। तो भाई अगर आपका मूड बन रहा है बीफ पुलाव खाने का, तो आपको मेरा ख्याल है यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पहले ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए मैं आज इसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि और आपको बताऊँ कि भाई कैसा है बीफ पुलाव। तो आज हम इसको ट्राई करने वाले हैं, और मेरा ख्याल है कि डीजी खां की जो स्पेशलिटी है वो बीफ पुलाव है, ऐसा ही है ना? चावल है, बस चावल होने चाहिए, वो भी बीफ के। तो यार ये मैं स्टॉल पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा हाउसफुल हुआ हुआ है, और जगह ही नहीं है बैठने की। पीछे इन्होंने दुकान ली हुई है, वो पूरी हाउसफुल हुई हुई है, और यहाँ पे धड़ाधड़ पुलाव जा रहा है, रायते के साथ जा रहा है। ये आज भी देख ली, आठ भी देख ली, 8 बजे स्टार्ट किया है, अभी टाइम है 2:56 और 8वीं डेट यहाँ पर जो है ना वो माशाल्लाह से सेल हो चुकी है। कितने चावल होते हैं एक देख में? 18 किलो के माशाल्लाह चावल है। कितने देर बाद, कितना टाइम लगता है इस देख को खाली होने में? 20 से 25 मिनट में पूरी देख खाली हो जाती है यहाँ पे, यार इतना रश है यहाँ पे। अच्छा एक बंदे का कितने की प्लेट है, कितने में पेट भर जाएगा, दो बंदे कितने में खा सकते हैं? ये प्राइस लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है, बड़ी प्लेट 150 की। ये जो बड़ी प्लेट है ये फॉर वन पर्सन है? 200 वाली प्लेट, 70 वाली प्लेट। वजन कितना होता है इसका? अच्छा। तो भाई ये यहाँ पे प्राइस लिस्ट लगी हुई है, फुल प्लेट 200 की और बड़ी प्लेट 150 की, और 70 रुपए की यहाँ पे छोटी प्लेट है। अच्छा ये थैली, ये पार्सल का क्या रेट है? पार्सल का भी सेम रेट है, 70, 150, 200। अच्छा ठीक है। तो भाई अभी देख का वेट हो रहा है, और ये नबील भी वेट कर रहा है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। हम आए तो देख खत्म हो गई, तो अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी किलो की देख है जो कि 18 मिनट में खत्म हो गई, क्योंकि यार इतना कोई रश है। ये भाई खड़े हैं यहाँ पर, ये डिलीवरियाँ भी करते हैं। तो भाई ये रोटी खोलने लगा, तो भाई ये देख इनकी आ गई है, और जो खाली देख हुई है वो वापस जा रही है, और जो भरी हुई धुआं बता रहा है पुलाव कैसी है, हैं? चेक करो आप। देख सकते हैं पूरा फुल हो गया, क्योंकि सारे वेट कर रहे थे पुलाव का, और देख आई है तो रोटी खुल गई है। भाई एक देख पे दो बंदे लगे हुए हैं, और मुसलसल हाथ चल रहा है माशाल्लाह, क्या बात है। ये भी खत्म हो जानी है मेरा ख्याल है, 20-25 मिनट खत्म नहीं होनी, खत्म नहीं होनी, देख खत्म हो जाएगी। बीफ है, बीफ है, ये देख भी खत्म हो जाए तो हम अपने लिए बना लेते हैं, क्योंकि हमें भी ट्राई करनी है। क्यों भाई, देखे देखे खत्म हो रही है, ये मोहब्बत है, खत्म नहीं होनी, देखे खत्म हो जाएगी, और खत्म हो गई है तकरीबन, लास्ट देख है। अच्छा ये जो पूरा स्पेस है ये फैमिली एरिया है सारा, क्योंकि वहाँ जो था वो सामने जो आप देख सकते हैं वो सारा, वहाँ पे सारे मर्द हज़रात बैठे हुए थे, और काफ़ी हाउसफुल हुआ था, जगह भी नहीं थी बैठने की। तो अब हम यहाँ पे आए हैं, वैसे ये फैमिली एरिया है, पर्दे वगैरह भी, पर्दों का भी खास इंतज़ाम है यहाँ पे बैठने के लिए, आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो जी अब हम यहाँ पे बैठते हैं, और पुलाव हमारी ऑलमोस्ट बस रेडी होके आ रही है, प्लेट्स रेडी होके आ रही है रायते के साथ, और फिर हम इसको ट्राई करेंगे अबू बकर की पुलाव को। तो भाई सीन ये है कि बीफ पुलाव हो गई है ख़त्म, जो लास्ट टेक आई है वो है चिकन पुलाव,
अच्छा, तो अब चिकन पुलाव हम देखेंगे कैसी है। वैसे मैंने बीफ पुलाव खाई है यहाँ से, आज चिकन पुलाव भी टेस्ट कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो ये बंदा कह रहा है कि जी चिकन पुलाव की भी लास्ट देगा, ट्राई ट्राई करते हैं हमारी चिकन पुलाव। आप बीफ पुलाव खत्म हो गए जी, ये चिकन पुलाव है भाई को चेक करवा रहे हैं। अच्छा जी, ये एक माइनस पॉइंट हो गया, लेकिन एक तरीके से ये प्लस पॉइंट भी हो गया, क्योंकि हम अबू बकर की बीफ पुलाव नहीं ट्राई करने वाले बल्कि चिकन पुलाव भी ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा जो इनका दूसरी जो यहाँ पे ब्रांच है इनकी, तो वहाँ पे हम बीफ पुलाव भी ट्राई कर लेंगे। अच्छा, ये पुलाव है और ये रायते के साथ इन्होंने सर्व किए, तो अब ट्राई करते हैं ये पुलाव कैसी है। अच्छा नबील, पहले आप ट्राई करें। हाँ, ये फर्स्ट बाइट बनाते हैं अपनी। ओह, ये जी फर्स्ट बाइट तैयार है। कैसा टेस्ट है? गरम गरम पुलाव है, नरम नरम गोश्त है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पुलाव है। जबरदस्त मजा आ जाना है, मतलब मजा। तो भाई अब मैं ट्राई करने लगा हूँ पुलाव, और मुझसे तो रहा ही जा रहा है क्योंकि यार दोपहर का टाइम है और खाना हमने बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ है। तो अभी ट्राई करते हैं पुलाव। यार पुलाव बहुत अच्छी है और काफ़ी टेस्टी है यार। और जो है ना, जो मतलब कि गरम पुलाव की तो बात ही कुछ और है, अगर पुलाव गरम हो और उसके साथ रायता हो भाई। अच्छा जी, पुलाव हमने ट्राई कर ली है और यहाँ पे देखें आप दोबारा, हमने जब तक ट्राई की हमने दो प्लेटें ख़त्म की हैं और यहाँ पे पूरी देग ख़त्म हो गई है। और अभी आप देख सकते हैं पीछे फिर दोबारा से देग ख़त्म हो गई, अब हमने दोबारा खानी थी और अब हमें वेट करना पड़ रहा है कि यार कोई दूसरी देग आएगी। तो खैर, ये यहाँ पे मैनेजमेंट में होते हैं अबू बकर पुलाव पे। तो भाई ये कब से है वैसे अबू बकर पुलाव यहाँ पे? माशाल्लाह इस ब्रांच को 3 साल हो गए हैं। तीन साल हो गए हैं। तो ये डेरा गाजी खां में कितनी ब्रांचें हैं इनकी? दो ब्रांचें हैं। कहाँ कहाँ पे? एक ई बुलाकले रोड पर है। अच्छा, और एक ये है ब्रांच नंबर 2। अच्छा अच्छा, और इसकी लोकेशन क्या है? घंटाघर गोलबाग नज़ एल ब्लॉक। तो आपकी वैसे यहाँ पे अभी चिकन बिरयानी हमने खाई, मैंने सुना था यहाँ बीफ पुलाव होती है, तो बीफ पुलाव आप कहाँ में मिलेगी? बीफ पुलाव आपको उधर ही मिलेगी, दूसरी वाले स्टोर पे। तो दूसरे वाले स्टोर पे जाएं अब हम। तो आपका क्या ऑर्डर पे भी यहाँ पे पुलाव देते हो? जी जी, शादी ब्याह तकरीबात में मौजूद है, शादी ब्याह देखो तकरीबात के लिए भी खाना मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और रायते के कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे हैं? अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो एक्स्ट्रा लेंगे, उसके 10 रुपये चार्जेस हैं। 10 रुपये चार्जेस हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई अभी इनके दूसरे वाले स्टोर पे चलते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं बीफ पुलाव, क्योंकि चिकन तो हमने ट्राई कर ली है और अब जा रहे हैं हम बीफ पुलाव ट्राई करने। तो भाई ये दूसरे आउटलेट पे, दूसरी ब्रांच से हम आए हैं, यहाँ पे भी देग ख़त्म हो गई। तो भाई देग खुलते ही ख़त्म, यहाँ पे ये देग आ चुकी है बीफ पुलाव की। अब यहाँ पे हाथ नहीं रुकने वाला। मामा 13-150, 2-500 वाला है, 2-300 वाला 13। काफ़ी रश है, उससे ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है। और पूरी वहाँ पे दुकानें फुल की हुई हैं इन्होंने, ज़बरदस्त भाई। ट्राई करनी है फिर बीफ पुलाव यहाँ पे? इंशाल्लाह अभी ट्राई करते हैं बीफ पुलाव, उसके बाद ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, तो नहीं है बैठ, ये देखें यहाँ पे कितना रश लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि चावल बट रहे हैं, लेकिन यहाँ बट नहीं रहे हैं, यहाँ बिक रहे हैं। तो भाई हम आ गए हैं अब यहाँ पर और अबू बकर का पुलाव यहाँ पे ट्राई करेंगे, बीफ पुलाव। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया चिकन पुलाव, अब हम ट्राई करने जा रहे हैं, तुनने जा रहे हैं
बीट पिलाओ बस। वेट हो रहा है यहाँ पे इससे पहले कि देख खत्म हो जाए, बस दुआ कर रहे हैं कि यार एक प्लेट हमें मौसूल हो जाए, हमें मिल जाए, नसीब में हो जाए हमारे। वो पसंदीदा गजा है डेजी खान वालों की, हर खाने के बाद चावल जरूर खाते हैं। हाँ, और ये वैसे वही बताएंगे हमें जो चावल अबू बकर वाले जो है जिन्होंने उनका रिलेटिव होने से इनकार कर दिया। तो भाई ये हमारी बीफ पुलाव भी आ गई है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से हमें नसीब हुई है। बड़ी मेहनतें की है हमने इस पुलाव को हासिल करने को। बड़ा ज़्यादा कि हमने अभी कहा है कि भाई ले आओ ले आओ, क्योंकि रश इतना है यार, और बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है फौरन। अभी मेरा ख्याल है 10 मिनट ही हुए हैं चेक करते हैं है। और देख खत्म चेक करते हैं। जमील भाई आप इसको ट्राई करो, माइंड बना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भाई बड़ी ज़बरदस्त तादाद में इसने बॉडियाँ डाली हैं भाई, ये पहली बाइट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायदे के साथ लेते हैं यार। वही जैसे बीफ पुलाव का अलग टेस्ट होता है, चिकन का अलग होता है, लेकिन नॉट बैड यार, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है पुलाव का। अभी तो शुरू हो गया, बस अल्लाह होती है, पुलाव बहुत अच्छी है यार। बहुत मज़ा आया डीजी खा में, हमने पुलाव अबू बकर की पुलाव ट्राई की और चिकन भी की, बीफ भी की। बीफ पुलाव अभी खा ली है, बहुत ज़बरदस्त पुलाव थी ये। देखो के हिसाब किताब से मुझे एक आइडिया ज़रूर हो गया कि डीजी खां वाले चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। और नबील को कैसी लगी भाई, कैसी लगी बीफ पुलाव? बहुत मज़ा आया, और जो है ना स्पेसिफिक जो क्वालिटी है डीजी खां के लोगों की, वो हर खाने के बाद चावल ज़रूर खाते हैं। हाँ ठीक है ना, इसलिए 18 किलो की देख 10 मिनट में ख़त्म हो गई। 10 मिनट में ख़त्म हो गए, हम चावल खा ही रहे थे, यहाँ भी यही हिसाब किताब हुआ कि देख ख़त्म हो गई। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।